नमस्कार, मैं प्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एसटीईटी परीक्षा फॉर्म में भूल सुधारने का मिला एक और मौका। एसटीईटी परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। काफी बदलावों के बाद 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत विभाग ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके फॉर्म में बदलाव का एक और मौका दिया है, जिसके तहत जिन भी छात्रों ने पेपर 1 और पेपर 2 के विषय और विषय कोड में भूल सुधार नहीं किया है, वो 22 जनवरी तक भूल का सुधार कर सकते हैं। ज्ञात हो, अभ्यर्थियों के पास अपनी भूल को सुधारने का यह आखिरी मौका है। SBI ने जूनियर एसोसिएट पद के लिए निकाली रिक्तियां। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट पद के लिए 8,134 पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक या समकक्ष डिग्री का होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष होनी चाहिए, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 26 जनवरी तक SBI के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं। बिहार के विनीत के आविष्कार की हर ओर हो रही है चर्चा। किसी ने सही कहा है, बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, और इसी को एक बार फिर से साबित किया है बिहार के औरंगाबाद जिले के मात्र 16 साल की उम्र के विनीत ने। विनीत ने अपनी प्रतिभा से ऐसा आविष्कार किया है जिसकी सराहना देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी जमकर कर रहे हैं। आपको बता दें, साइंस का छात्र विनीत ने प्लास्टिक से पेट्रोल, LPG और टाइल्स बनाने का तरीका निकाला है और अपने इस आविष्कार के लिए बेकार पड़ी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। एडमिट कार्ड में बिहार बोर्ड का दिखा नया कारनामा। बिहार बोर्ड अक्सर अपनी त्रुटियों के लिए चर्चा का पात्र बना रहता है। हालात तो यह है कि छात्रों ने यह मानना भी शुरू कर दिया है कि बिहार बोर्ड से अगर परीक्षा दे रहे हैं तो गड़बड़ियों को भी झेलने के लिए तैयार रहें। बोर्ड द्वारा STET परीक्षा के लिए निकाले गए एडमिट कार्ड के नए कारनामे को सुनकर आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे। हाल ही में बिहार बोर्ड ने ऋषिकेश नामक छात्र का एडमिट कार्ड जारी किया था। कार्ड पर सारी जानकारी तो ऋषिकेश की ही है, मगर तस्वीर में साउथ इंडियन फिल्म की अभिनेत्री अनुपमा का चेहरा है। 86 साल बाद रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है मिथिलांचल का दो हिस्सा। सभी मिथिलांचल वासियों के लिए खुशखबरी। लंबे अरसे से रेल व्यवस्था के शुभारंभ का इंतजार कर रहे लोगों को अब और इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अब जल्द ही 86 साल से ठप पड़े रेल मार्ग को एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग ने तो रेल मार्ग से मिथिलांचल के दो हिस्सों को जोड़ने का भी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लंबे समय से बंद पड़े रेल मार्ग को दोबारा से जीर्णोद्धार कोसी नदी पर रेलवे पुल के निर्माण के बाद संभव हो पाया है। नीतीश सरकार ने 33,000 से अधिक तालाबों के जीर्णोद्धार पर लगाई मुहर। जल जीवन हरियाली यात्रा के सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत भूजल की समस्या से निदान के लिए उन्होंने लगभग 33,000 तालाबों के जीर्णोद्धार का ऐलान किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीर्णोद्धार के लिए ऐलान से पहले इन सभी तालाबों के पर्यवेक्षण का काम किया गया था। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में दिखाई जाएगी बिहार के विकास की गाथा। गणतंत्र दिवस आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में बिहार समेत पूरे देश में इस बाबत जमकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना में भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अगर हम खबरों की माने तो इस साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में परेड के साथ साथ नीचे मछली ऊपर बिजली की थीम पर बिहार के विकास की गाथा दिखाई देगी, जिसे 17 झांकियों के माध्यम से आम जनता को दर्शाया जाएगा। विश्व स्तरीय मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम का आयोजन छपरा में होगा शीघ्र। बिहार के छपरा जिले में गर्ल्स हाई स्कूल कैंपस में जल्द ही मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी जानकारी छपरा के जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सौंप दी है। इतना ही नहीं, मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण कार्य शुरू करवाने का आदेश भी जारी किया गया है। ज्ञात हो, स्टेडियम के निर्माण के लिए निर्माण विभाग ने 15,97,00,000 की राशि आवंटित कर दी है। मौसम में बदलाव का सीधा असर किसानों की जेब पर। मौसम में हर बार हो रहे बदलाव से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में हो रही छिटपुट बारिश का सीधा असर अब फसलों पर पड़ रहा है। खबरों की माने तो धान की फसल काटे जाने के बाद हुई बारिश से किसानों की फसल भीग गई है, और इतना ही नहीं, खेत खलिहान के बाद रबी फसलों की बुआई पर भी ग्रहण लग गया है। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे मशहूर संगीतकार और अपने जमाने के उम्दा कवियों में गिने जाने वाले शमसुल हुदा बिहारी के बारे में। शमसुल हुदा बिहारी का जन्म बिहार के आरा जिले में 25 फरवरी 1922 में हुआ था। बिहारी हिंदी और उर्दू के फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं और बंगाली भाषा में भी पारंगत थे। 1985 में गीतों के बोल के साथ बिहारी ने फिल्म प्यार झुकता नहीं है के लिए स्क्रिप्ट भी लिखा था। इतना ही नहीं, साल 2006 में जावेद अख्तर ने भी हुदा बिहारी के लेखन की खूब तारीफ की थी। भारतीय तटरक्षक बल ने निकाली रिक्तियां।
भारतीय तटरक्ष बल ने नाविक के लिए 260 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन भरने की क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इन पदों के लिए महिलाओं और दिव्यांगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार को गणित और फिजिक्स में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इच्छुक उम्मीदवार 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक इन पदों के लिए www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी ले सकते हैं। घने कोहरे का असर पड़ रहा है ट्रेनों के परिचालन पर। ठंड के असर से राहत मिलने में कोई आसार नहीं बन रहे। जहां ठंड से थोड़ी राहत मिलती है वहीं हवा का रुख एक बार फिर से बदल जाता है, जिससे मौसम का मिजाज फिर से पहले की तरह वापस हो जाता है। पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो हवा का प्रवाह एक बार फिर से बदलने से मौसम में कनकनी का असर बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कोहरे का प्रभाव भी साफ साफ देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से उत्तर भारत से दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों के समय में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालत कुछ यूं है कि लगभग 25 ट्रेनें कोहरे की वजह से 1 से 6 घंटे की देरी पर चलाई जा रही हैं। एम्स पटना ने प्रोफेसर पद के लिए निकाली रिक्तियां। एम्स पटना ने साल 2020 के लिए प्रोफेसर पद, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 84 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को प्रासंगिक अनुशासन में MD MS पूरा करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, उसे संबंधित क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी तक aimspatna.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। NIOS से DLED पास शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर। NIOS से DLED पास अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। कुछ ही दिनों पहले बिहार सरकार द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में निकाले गए रिक्तियों के लिए NIOS से DLED की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने से मना कर दिया गया था, जिसके लिए सभी NIOS से DLED के डिग्री लिए अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट ने फैसला NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया है। यानी कि अब NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। डावाडोल हुई शहर की सफाई व्यवस्था। नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों के काम बंद कर सड़क पर उतर आने के फैसले से समूचे शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त अमित कुमार ने संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की है, जिसमें अपर नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नगर निगम की ये सभी सरकारी कर्मचारी अपने 21 सूत्री मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और मांग नहीं पूरा होने तक इसे जारी रखने का भी ऐलान किया है। मुंगेर की पीरशाह नफा मजार में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर की पीरशाह नफा मजार की गिनती मुंगेर जिले के सबसे पुराने इमारतों में की जाती है। कहा जाता है कि एक पीर ने फारस में अजमेर की यात्रा की थी और वहां से मुंगेर में ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती के निर्देश के तहत आए थे और अपना जीवन यहीं बिताया था। हालांकि उनके गुजरने के बाद इस जगह को समय की परत ने अपनी चादर में ढक दिया था। अंततः 1497 ईस्वी में जब किले की प्राचीर में गवर्नर राजकुमार दानियाल द्वारा मरम्मत की जा रही थी, तब इस खोए हुए मजार का पता लगाया गया, जिसके पश्चात इस मस्जिद को उस स्थान पर बनाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद से 1497 में इस विशेष स्थान को शाह नफा की दरगाह के रूप में जाना जाने लगा। सुषमा बनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की आवाज। पिछले 2 दशकों से भागलपुर की सुषमा वहां के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की आवाज बनी हुई है। इतना ही नहीं, सुषमा अपने निरंतर प्रयास से इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सीधे मुख्यधारा से जोड़ने की पहल पर दिन रात काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इन झुग्गियों में कभी अशिक्षा और अभाव का बोलबाला था, आज वहां से संगीत की गूंज सुनाई देती है। इतना ही नहीं, इन झोपड़ियों में रह रही महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री देंगे अपने सांसदों को कुछ राजनीतिक टिप्स। इस चुनावी साल में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब एक्टिव मोड में आ गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को प्रशिक्षण देने का जिम्मा इस बार खुद अपने कंधों पर उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक अन्य मार्ग पर जदयू के नेताओं को ट्रेनिंग देंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज और कल यानी कि 22 और 23 जनवरी को राजगीर में जदयू नेताओं को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। श्रृंखला के बाद अब बनेगी कुशवाहा की कतार। 19 जनवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हुए श्रृंखला के एवज में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 24 जनवरी को अब अपनी कतार उतारने जा रहे हैं, जिसके तहत रालोसपा की ओर से सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसी के खिलाफ और साथ ही साथ शिक्षा और रोजगार के सवाल को लेकर 24 जनवरी को कतार का आयोजन किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं पपीते के फायदे के बारे में। पपीते का सेवन अक्सर लोग करते हैं, मगर पपीते से मिलने वाले फायदों के बारे में शायद ही आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको पपीते से मिलने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट के पाचन शक्ति, इम्यूनिटी और वजन कम करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, पपीते के इस्तेमाल से आपके बाल और त्वचा दोनों से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती है। पपीते से मिलने वाले विटामिन ए से आंखों की रोशनी को मजबूत करते हैं।
इतना ही नहीं, पपीता चेहरे का रंग साफ करने और बालों को हेल्दी बनाने रखने में भी काफी कारगर साबित होता है। तानाजी पहुंची 200 करोड़ के क्लब में। अजय देवगन और काजोल की फिल्म तानाजी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, अजय देवगन की यह फिल्म उनकी बाकी फिल्मों की तरह ही रिकॉर्ड कायम करने में सफल रही। खबरों की माने तो अभी तक इस फिल्म ने कुल मिलाकर 200 करोड़ की कमाई कर ली है। इसके साथ ही अजय देवगन की यह फिल्म 100 करोड़ की क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं फिल्म बन गई है। ज्ञात हो तानाजी से पहले गोलमाल रिटर्न्स, दे दे प्यार दे समेत कई फिल्में 100 करोड़ की क्लब में शामिल हो चुकी है। सहवाग ने दिया कोहली की कप्तानी पर बड़ा बयान, साथ ही धोनी की कप्तानी से की तुलना। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली और पूर्व कप्तान एमएस धोनी की कप्तानी की तुलना करते हुए धोनी की कप्तानी को बेहतर और कोहली की तुलना में ज्यादा स्पष्ट करार दिया है। सहवाग ने कहा है कि धोनी की कप्तानी में टीम में और खिलाड़ियों में स्पष्टता थी, जबकि कोहली में उस चीज की कमी दिखती है। सहवाग को लगता है कि अगर लोकेश राहुल T20 में 5वें नंबर पर कुछ दफा विफल हो जाते हैं तो भारतीय टीम प्रबंधन उन्हें इस स्थान पर बरकरार नहीं रखेगा, जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी के युग में होता था जब हर किसी को पर्याप्त मौके दिए जाते थे। एंड्रॉइड फोन पर अब तक 5 अरब बार डाउनलोड किया गया है व्हाट्सएप। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के समय में हर कोई कर रहा है, मगर इसके डाउनलोड की बात करें तो अब तक यह ऐप 5 अरब बार डाउनलोड किया जा चुका है, जिसके पश्चात फेसबुक अधिकृत व्हाट्सएप दूसरा गैर गूगल ऐप बन चुका है। खबरों की माने तो यह आंकड़ा सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप का नहीं बल्कि सैमसंग जैसे एंड्रॉइड सेलफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप की संख्या को मिलाकर है, जिसके तहत अब व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे अधिक लोकप्रिय मोबाइल मैसेंजर ऐप बन गया है। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस ने जदयू पर कसा तंज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू द्वारा जारी किए गए स्टार प्रचारकों की सूची में प्रशांत किशोर का नाम शामिल नहीं होने पर तंज कसा है। पहले तो उन्होंने कहा कि जदयू का आंतरिक मामला है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पीके पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं आना आश्चर्य की बात है। भले ही पीके श्रृंखला का हिस्सा नहीं बने हो, भले ही वो दिल्ली में आपका साथ दे रहे हो, लेकिन आखिरकार वो है तो पार्टी के उपाध्यक्ष ही ना। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह साफ करना चाहिए कि आखिरकार पीके कौन सी भूमिका में नजर आ रहे हैं। एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के हैं अलग अलग विचार। देश भर में जारी एनआरसी और सीएए का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर केंद्र सरकार ने सीएए को समूचे देश में लागू कर दिया है, वहीं अब एनआरसी को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के सीएए का समर्थन किया था, वहीं अब एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी पर बिहार भाजपा के नेता सतीश चंद्र ने कहा है कि चाहे जो हो जाए बिहार समेत पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सरकार को शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।